इमीजिएटली आप इमरजेंसी लागू कर दें हमारे बॉर्डर एरियाज में, जितने भी बॉर्डर एरिया फाटा स्वात पर आप इमरजेंसी लागू कर दें कि फ्रंटियर कोर के जो हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आपके पास दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं डिवीजन प्लस स्ट्रेंथ की बलूचिस्तान में और एक है वहाँ पर केपीके में, इसको ऑलमोस्ट डबल कर देना पड़ेगा। आपको बता रही हूँ और मेरी इन्फॉर्मेशन है ये मैं कयास अराई नहीं कर रही, ना मैं ये इमरान खान की मुखालिफत में ये बात कह रही हूँ, ये बात मुझे खुद सुनने को मिली है कि ये जो कश्मीर पर सौदा हुआ है ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाए। थैंक यू फ्रेंड। इस बार पाकिस्तान पर कितने गहरे असरात होंगे? बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस टाइम दे आर कमिंग बैक मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, मच मोर पावरफुल, और हमें इस किसी उसमें बोलते ना इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि ये इफेक्ट वो स्पिल ओवर होकर हमारे पास आएगा। हमें अभी चाहिए, मैं ओपनली कहता हूँ अभी चाहिए कि फ्रंटियर कोर के जो हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आपके पास दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं डिवीजन प्लस स्ट्रेंथ की बलूचिस्तान में और एक है वहाँ पर केपीके में, इसको ऑलमोस्ट डबल कर देना पड़ेगा और विदाउट फर्दर डिले। और आपको ये करना पड़ेगा कि बोथ आपको बॉर्डर एरियाज को सो दैट बॉर्डर इंकर्शन ना हो और इंटरनल एरियाज को कि वो जो इनके सेल्स वेल्स जो ऑपरेट ये कर सकते हैं वो ना। द वर्ल्ड इज नॉट सो रिसेप्टिव टू रेफ्यूजीज। बोझ हमारे पर प्राइमरीली आएगा और दूसरा बोझ जाएगा ईरान के ऊपर। तो हमें बहुत मुताबिक तरीके से वेल प्लान्ड एक प्लान बनाना पड़ेगा, बोलते हैं कि एक तरह की प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा टू इंश्योर कि आपके रेफ्यूजीज बॉर्डर एरिया से। तो आप नफरी डबल करने की भी बात कर रहे हैं, मगर आपने ये शहरों का जिक्र करते हुए ये कहा कि इस बार मुहाजिरीन शहरों में आएंगे, लेकिन अब तालिबान का कहना है कि शहरों में तो जंग नहीं करना चाहते वो, दूसरी जानब शहरों का महासरा भी कर रहे हैं। सो आप जंगों का हिस्सा रहे हैं, यू ऑल्सो बीन अ प्रिजनर ईस्ट पाकिस्तान में, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है तालिबान की या फिर तालिबान जो है वो अपनी कुव्वत यकजा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बेहतर वो जंग होती है जो आप जिसमें आप जीत लेते हैं लड़ाई के बगैर। लड़ाई होती है तो शहरों में डिस्ट्रक्शन बहुत होती है, और आई थिंक कोई भी तालिबान हो या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पर स्ट्रीट बैटल्स हों और वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जिस तरह हो सकती है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये वही कोशिश करेंगे कि शहरों के बाहर वो ऐसे इलाके करें, प्रेशर डालें कि शहर सरेंडर कर जाए। मुझे एक तरफ से थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन भी है कि बहुत से गवर्नर्स लाइक फॉर एग्जांपल कांधार के गवर्नर हैं, जलालाबाद गवर्नर हैं, वो ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं इनसे कि हमें सरेंडर करने दें, हमें सेफ पैसेज दे दें, हमारे लोगों को सेफ पैसेज दे दें। तो आई थिंक तालिबान इस बात पर राजीमंद हो जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि शहर की डिस्ट्रक्शन। सैकल साहब, ये बताइएगा कि माजी में हमने ये भी देखा कि स्वात में शरई निज़ाम नाफिज किया गया, एज आई सेड, तो सबको मालूम है कि टीटीपी और दीगर ग्रुप जो हैं वो अपनी नजरियाती ताकत जो है वो अफगान तालिबान से ड्रॉ करते हैं, तो क्या तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान पर काबिज होने की सूरत में तहरीक टीटीपी और दीगर ग्रुप जो हैं वो उनकी ताकत में भी इजाफा देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, टीटीपी और जितने भी मुख्तलिफ ऐसे इनको 100% एक तरीका रिसर्जेंट आ जाए 100%, बिकॉज नेचुरली एक सुपर पावर को पहले निकाला था सोवियत यूनियन को, फिर दूसरे सुपर पावर को निकाल दिया उन्होंने, नेचुरली वो बोलेंगे जी हमने आपको कितनी फीड दी थी, आपने लाशों की बात की, ये यहाँ से लोग जाते थे ना, रहीम यार खान के इलाके से ज़्यादातर लोग जाते थे लड़ने के लिए, वहाँ पर लड़ के एक दो साल उनको बैटल इनोकुलेशन हो जाती थी, फिर वापस पाकिस्तान आ जाते थे, टीटीपी को ज्वाइन कर लेते थे। तो ये इनकी एक साइकिल थी। अनफॉर्चुनेटली ये एक तरह का डर जरूर है कि ये वापस आएगा जब अगर हमने नहीं करा। मैं तो अभी बोलूँगा अगर मैं इमरान खान की जगह होता या उनकी जगह होता, मैं बोलता जी आप इमीजिएटली आप इमरजेंसी लागू कर दें हमारे बॉर्डर एरियाज में,
जितने भी बॉर्डर एरिया फाटा स्वात पर आप इमरजेंसी लागू कर दें और आर्टिकल 245 के मुताबिक आप दें पावर्स दे दें फौज को जो अभी है उनके पास आर्टिकल 245 तो आप पावर्स दे दें कि इंश्योर कि ये फिर अपनी ना बहुत बहुत शुक्रिया। अब कश्मीर में खड़े होकर अपने ही वजीर आजम और अपने ही इदारों पर कश्मीर बेचने के इल्जाम हैं। जो कश्मीर पर सौदा हुआ है ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। भारत को तोहफे में तुम कश्मीरियों का मकबूजा कश्मीर दे आए। कश्मीर फरोश के नाम से याद किया जाएगा तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। उनको पता है कि जो गलत काम करवाने हैं वो गलत काम इमरान खान से करवा लो। इस इंतखाबी मुहिम में जहां कश्मीर कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा है, वहीं कश्मीर की जंग लड़ते इदारों को कश्मीर में ही खड़े होकर बदनाम करने का सिलसिला जोरों पर है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक बार फिर मुज़ाम्मती बयानियां इख्तियार किए हुए हैं। को बता रही हूँ और मेरी इन्फॉर्मेशन है ये मैं कयास अराई नहीं कर रही ना मैं ये इमरान खान की मुखालफत में ये बात कह रही हूँ। ये बात मुझे खुद सुनने को मिली है कि ये जो कश्मीर पर सौदा हुआ है ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। हिसाब देने की इन धमकियों में मगर मोदी के यार के नारे भी हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बट रहे हैं। मगर गुजरे जमाने में राजीव गांधी की इस्लामाबाद पर कश्मीर के झंडे उतारने वाले भी यही मुहिबुल वतन सियासतदान ही थे। साड़ियों के तोहफे वसूल करते भी यही सियासतदान थे और माजी करीब में मोदी की जीत के लिए दुआएं करते भी यही सियासतदान थे और अब कौमी इदारों को इल्ज़ाम देते भी यही सियासतदान हैं। पार्लियामान नहीं चल रहा, जिम्मेदार अस्करी इदारे। मुईशत नहीं चल रही, जिम्मेदार आईनी इदारा नैब। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, जिम्मेदार सियासत नहीं बल्कि नैब ही। जिम्मेदार हर चीज के ऊपर रियासती इदारे और आईनी इदारे। अब तो काबीना भी नैब की कारकर्दगी पर शाकी है। पाकिस्तान में बिल्कुल भगदड़ जैसे हालात बन चुके हैं। जब से अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों की लाशें भेजी हैं उसके बाद तो पाकिस्तान के होश ही उड़ गए। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है बॉर्डर पे किस तरीके से रोका जाए इन सबको, क्योंकि बॉर्डर इतना वीक है ना कोई फौज उसे रोक सकती ना कोई। और अब तालिबान पूरी फोर्स के साथ आ रहा है, वो चारों तरफ खतरा उत्पन्न हो चुका है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पसीने छूट गए। पाकिस्तान आर्मी और ISI को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो खाली ऊपर वाले से वो दुआ करें किसी तरीके से तालिबान रुक जाए बॉर्डर पे। अब ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दो बॉर्डर्स के ऊपर और दुगनी कर दो फोर्स। तालिबान ऐसी चीज़ें किसी भी फोर्स के काबू आने वाले नहीं, क्योंकि वो पैदाइशी फाइटर हैं और लड़ाकू हैं। उन्होंने 20 साल तक अमेरिका से लड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, फिर भी अमेरिका उन्हें रोक नहीं पाया। अब पाकिस्तान की तौकात ही क्या है। और मोदी और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, इससे पता चल रहा है पाकिस्तान में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और आगे जाके हालात और भी गंदे होने वाले हैं। आगे जाके देखें फ्रेंड पाकिस्तान में क्या होता है। जय हिंद, धन्यवाद।